बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब ने अब क्लियर कर दिया है कि मैं अब निर्दलीय के तौर पर सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी। उसके बाद आपको बता दें कि सिवान की जो सीट है आरजेडी की सीट, वो बिल्कुल अब खाली हो चुकी है, क्योंकि लगातार मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक जीवित थे वो लड़ते गए और उसके बाद से 2009 से लगातार 2019 तक राजद की उम्मीदवार सिवान से रही हीना साहब। और अब जिस तरीके से हीना साहब ने खुद ऐलान कर दिया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, तो ऐसे में एक नाम की चर्चा हो रही है जो कि कहा जाता है कि सिवान के भीष्म पितामह के तौर पे देखे जाते हैं। अगर राजनीति की बात हो और अगर अवध बिहारी चौधरी की बात ना हो तो शायद सिवान की राजनीति अधूरी मानी जाती है। और यह चर्चा हो रही है कि अवध बिहारी चौधरी, जो लालू परिवार के काफ़ी चहेते हैं, काफ़ी करीबी हैं, अब वो सिवान से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। सवाल यह है कि कल तक जो हीना साहब के साथ चलते थे, हीना साहब से कदम मिला करके चलते थे, जब हीना साहब उम्मीदवार होती थी राजद से, तो अवध बिहारी चौधरी भी उनके साथ मंच साझा करते थे, लेकिन अब हीना साहब के सामने अवध बिहारी चौधरी भी उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे। एक तरफ हीना साहब निर्दलीय दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी, तो दूसरी तरफ आरजेडी के तरफ से यह कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी सिवान लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों उम्मीदवार अगर आमने सामने होंगे तो सिवान की जो राजनीतिक जो लड़ाई होगी वो किस तरीके की हो सकती है, हीना साहब का जो वोट होगा वो कौन सा हो सकता है और अवध बिहारी चौधरी का जो वोट होगा वो कौन सा वोट हो सकता है, यह सब कुछ सिवान की जनता भी भली भांति जानती है। अब सवाल है कि एनडीए अपने उम्मीदवार को किसे उतारता है, यह देखने वाली बात होगी। और वह महत्वपूर्ण बातें उस समय दिलचस्प होगी कि जब कैंडिडेट की घोषणा होगी और तब पता चलेगा कि आखिरकार एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो चर्चा चल रही है कि अवध बिहारी चौधरी और हीना साहब अब आमने सामने हो सकते हैं, हीना साहब बिल्कुल लगातार दौरा भी करना अब शुरू कर दी हैं, गांव-गांव जा रही हैं, पंचायत स्तर तक जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। और एक दमखम के साथ जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन जब लोगों से मिलते थे, जहाँ जहाँ जाते थे काफिला उनके साथ पीछे से जुड़ जाया करता था। और आपने देखा भी होगा कि दरभंगा भी जब हीना साहब पहुँची थी तो भारी काफिले के साथ वहाँ पे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। और अवध बिहारी चौधरी के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी भी अच्छी खासी बैठ है, क्योंकि लगभग 6 बार ये सिवान से सदर एमएलए भी रह चुके हैं। और हीना साहब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पति 4 बार एमपी और 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं। तो दोनों जो हैं बिल्कुल उम्मीदवार जो हैं काफ़ी दमदार हैं, लेकिन इस बार का फ़र्क यह होगा कि कल तक जो अवध बिहारी चौधरी और हीना साहब एक साथ मंच साझा करते थे, हीना साहब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ती थी, अवध बिहारी चौधरी उनके लिए प्रचार प्रसार जो करते थे, अब कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी को अगर राजद से टिकट मिल गया तो अब अवध बिहारी चौधरी हीना साहब के सामने एक उम्मीदवार के तौर पर होंगे। और उस समय अब देखना होगा कि सिवान की जनता किसे अपना नेता चुनती है। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर
बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हरदिया मोर एंड आनंद नगर सिवान। एडमिशन ओपन सीजन 24-25। लिमिटेड सीट्स, हरिय अप। इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हरदिया मोर एंड आनंद नगर सिवान। कॉल करें 7761872900, 9934407656। अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 24-25, नर्सरी टू क्लास 6, सीबीएसई करिकुलम, आंध्र ढाला, मड़कन, सिवान। कॉल करें 9122899149। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।